हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और गाइस, आज है राखी और मैं हूँ अपनी मौसी के साथ में। और बहुत ज़्यादा मौसी ने कल मुझे अच्छी फ़ोन किया था कि हमारा जो कज़न ब्रदर है हर्षित, उसकी जो सिस्टर है नैंसी, वो नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैं एप्पल्स लेकर आई थी, तो मौसी वो एप्पल्स ही दिखा रही है मुझे। और उसके अलावा बात ये है कि मौसी जो है ना, बहुत बड़ी यूट्यूबर है और इनके 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके अलावा इनके इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है ना। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर इनका जो लिंक है ना, वो अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, यू नो। और दूसरा ये था ना कि आज राखी थी, तो राखी में थोड़ा तो इन्जॉयमेंट ऐसे बनता ही है। तो ये है हमारा ब्रदर हर्षित, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसने वेट लॉस कर लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसने जिस तरीके से वेट लॉस किया है ना, बिल्कुल स्किन इसकी लटकी नहीं है। आप इमेजिन नहीं करोगे कितना ज़्यादा हैवी था, लेकिन अब मतलब उसका ये समझ लो कि ये 1/5 हो गया है। और ये थे मौसा जी जो कि बिल्कुल नाइट से बैठे हुए थे, और मौसी ने जो है राखी वाखी निकालनी शुरू कर दी। मैं तो राखी लेके नहीं गई थी क्योंकि ऑलरेडी घर वहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मौसी वो थाली वाली तैयार कर रही थी, राखियाँ रख रही थी इसके अंदर। और वैसे इतनी सारी राखियाँ रखने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट ठीक है, मतलब अच्छा लगता है प्लेट में थोड़ी भरी भरी हो, यू नो, भाई और ये सब तो अच्छा लगता है यार। मैं ना अपने वहाँ पिलखनी भी जाने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यार उन लोगों ने, और हम कुछ भी इन्जॉय अपनी तरफ से बांध दियो, ये नैन्सी की तरफ से बांध दियो, ठीक है, है ना। और एक मौसा जी को इसी में से बांध दियो, और एक मेरे बांध दियो, एक एक बांध दियो। तो गाइज़, मैंने राखी बांधनी शुरू कर दी, और तब मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो टॉप है वो कितना ऑड लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा ढीला था। तो मैं इतनी बहुत ही ब्लोन, अब बिल्कुल बलून टाइप लग रही थी उसमें, बट ऐसी मैं हूँ नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। इससे हाफ पूजा ऐसी लग रही हो यार, अंडर एस्टिमेट मत करना। और मैंने राखी बांध दी, अपनी भी बांध दी, नैन्सी की भी बांध दी, और जो है हमने मौसी की भी राखी बांधी, मौसा जी की, मौसा जी तो चले ही गए थे, ठीक है। और मैंने मतलब सेवई वगैरह खिलाई, तो देखा तो मौसा जी तो गायब थे, तो फिर मैंने काफ़ी देर वेट किया, कम से कम 2-3 घंटा के बाद मौसा। तो गाइस, राखी बांध दिया मैंने मौसी के भी, ठीक है, और मैंने हर्षित के भी राखी बांधी है, ठीक है, लेकिन और अब ये मेरे राखी बन रही है फाइनली। नहीं, ये एक मिनट। तो गाइस, ये सब राखी रक्षाबंधन वगैरह होने के बाद मैंने अपना जिम की तरफ अपना रुख किया, लेकिन जिम जाने से पहले मैंने ना डोमिनोज़ का थोड़ा सा मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ, पर डोमिनोज़ वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार, बिल्कुल बनाने ही नहीं देते हैं ब्लॉग। तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा डोमिनोज़ का दिखाया, और मैं बहुत ही एक्साइटेड होकर अंदर गई। मुझे ऐसा लगा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वैसे ये पता है सहारनपुर छोटी सिटी है, पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो मतलब स्टॉल्स वगैरह हैं वो सारे हैं यहाँ पर। तो मैं डोमिनोज़ में अंदर गई, अंदर जाने वाली थी, लेकिन जो है उन लोग के जो स्टाफ है उन लोगों का बहुत बड़ा स्ट्रिक्टनेस थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अंदर से नहीं ले सकते हो। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा मैनेज किया किसी तरीके से, और अंदर मैं चली गई थी। बट मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मतलब जो सहारनपुर है ना, मतलब काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। KFC आ गया है, बर्गर किंग आ गया है। ये देखो, अब ये ना, यहाँ पर एक लड़की है आएगी और मुझे तुरंत बोलेगी कि मत बनाओ। मैं तो बहुत ईजिली यार, मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या फ़र्क पड़ता है डोमिनोज़ का अगर मैंने बना लिया। क्या डोमिनोज़ किसी को पता नहीं है? डोमिनोज़ इतनी बड़ी कंपनी है। ये लड़की मेरे पीछे आई और इसने जाके ना मेरी वीडियो डिलीट कराई, पर मैंने वीडियो डिलीट नहीं करी, मैंने बस उसको में डाल दिया था, तो बाद में रिकवर कर लिया। तो गाइज, ये सब हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने जिम, ठीक है ना। तो फाइनली अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल आपको जो ब्लॉग में दिखाया था, एक बसंत करके नाम के एक शॉप को मैंने आपको दिखाया था ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्टी वाला साउथ इंडियन मिलता है। तो ये रही वो शॉप, और यहाँ पे डोसा, इडली नहीं मिलती बस, क्योंकि इडली की ऑडियंस ही नहीं है ना, मतलब लोग नहीं खाते हैं इडली। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, स्प्रिंग रोल मिलता है, चाउमिन मिलती है, और तरह तरह के शेज़वान राइस, और इस मतलब जो भी तरह के चाइनीज़ टाइप्स
आइटम्स और जो साउथ इंडियन टाइप आइटम्स होते हैं ना जो आसपास में नहीं बोलते सब, ये ना भैया बिल्कुल घबरा गए मुझे देख के और ये करने वाले थे उसमें और डाला ही नहीं उन्होंने. सो इट्स लाइक दिस, तो ये इनको एकदम शॉक लग गई थी मुझे. तो मैं जिम में घुस गई भाई उसके बाद में, और थोड़ा सा ब्लॉग मैंने जिम का बनाया. और जिम वैसे तो मैंने पहले वाली ब्लॉग में भी आपको दिखाया हुआ है, पर फिर भी एक बार और दिखा देती हूँ. बड़ा अच्छा जिम है यार, मेरा तो मन ही नहीं भरता इसकी रिकॉर्डिंग करते करते. ठीक है, तो ये तो हमारा कार्डियो वाला रूम है. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर काफ़ी पतली पतली लड़कियाँ आती है जिन्हें देख के खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं. और ये हमारा एक्सरसाइज का वैसा वाला रूम है जहाँ पर वेट्स के साथ एक्सरसाइज होती हैं. और मैं जैसे वेट्स के साथ करी थी ना, तो मैं कोशिश करी थी थोड़ा सा बनाने के लिए, पर बना नहीं. तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नए ब्लॉग में.